कमलापत गोलीकांड मामले में मृतक के परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजे एवं नौकरी देने की कर रहे मांग। कमलापत मुसहरी में अर्जुन सदा की हुई हत्या मामले में सूचना पाकर लोजपा जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान एवं जिला युवा अध्यक्ष अजय टाइगर भगवानपुर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस कांड में जिसने हत्या की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए, यह पार्टी सरकार से ये मांग करती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले भर में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं जो चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर जिला प्रशासन को कड़ा एक्शन लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं युवा जिला अध्यक्ष अजय टाइगर ने कहा कि महादलित के साथ घोर अन्याय हुआ है, इस पर प्रशासन को एक्शन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए एवं पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। मौके पर अविनाश झा प्रखंड अध्यक्ष, अनिल पासवान, कुंदन चौधरी सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। दहिया में अर्जुन सदा की हत्या हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना चाहते हैं कि घोर अन्याय हुआ। किसी भी दलित महादलित को हर वक्त आए दिनों हत्या होती रहती है। इस पर पुलिस प्रशासन और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और जहां तक अर्जुन सदा की बात है तो उनके ऐसी जानकारी मिला है कि 4-5 बच्चे हैं, उनको रहने के लिए और आवास सुविधा मिले और 25 लाख नगद भुगतान किया जाए और उसको मैंने उचित न्याय मिले। क्या नाम है आपका? अजय कुमार, युवा लोजपा रामविलास अध्यक्ष। घटना हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 9 फरवरी जो भगवानपुर कमलापथ दहिया कमलापथ में जो घटना हुआ है अर्जुन सदा को, इस पर हम लोग घोर निंदा करते हैं और बिहार के जो सुशासन बाबू का जो सरकार है इससे नहीं चल रहा है, इसलिए मांग करते हैं ये मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे, क्योंकि लाइन ऑर्डर इनको ठीक ढंग से नहीं संभल रहा है। थाना पुलिस बेलगाम है, इसलिए इनको बिहार से मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहिए। क्या नाम है अपना? अनिल पासवान, LJP अध्यक्ष, भगवानपुर। 9 फरवरी को दहिया कमलापथ में अर्जुन सदा की हत्या हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मालूम हुआ है कि अर्जुन सदा जी बीते दिनों हत्या हुई है, हम कहना चाहते हैं कि अपराधियों जो भी हत्या किया उसे कड़ी से कड़ी सजा किया दिया जाए और पुलिस प्रशासन को जितने भी बेगूसराय जिला में अपराधी बढ़ रही है उस पर पूरा कड़ा कानून लागू करके उन्हें कड़ी से सही सजा दे के उन्हें फांसी की सजा सुनाया जाए। और हम अपनी पार्टी की ओर से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि 25 लाख रुपये और एक नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाए अर्जुन सदा परिवार को, जिससे उनके परिवार के बाल बच्चों को मैंने दिक्कत नहीं हो पढ़ाई लिखाई और आने वाला जनरेशन उनका भविष्य ठीक रहे। इसीलिए एक सरकारी नौकरी 25 लाख रुपये की मांग करती है पार्टी। और हम तमाम साथियों को कहते हैं कि अर्जुन सदा के परिवार को आर्थिक मदद करने की हम लोग भी सहयोग राशि उपलब्ध करा के देने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष, बेगूसराय।